आप जानते हैं कि बाढ़ का मौसम है, बारिश का मौसम है और नेपाल से छोड़ा गया पानी 4 लाख क्यूसेक पानी घाघरा नदी में आ चुका है। मैं इस वक्त अयोध्या के पुल पे खड़ा हूँ, नए घाट पे, जहाँ बात बताना चाहूँगा, यहीं से दिखाना चाहूँगा। ये भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, 4 लाख क्यूसेक पानी वो पहुँच चुका है। धीरे धीरे जल बढ़ रहा है, खतरे के निशान से घाघरा ऊपर चल रही है और सुरक्षित स्थानों पर जिला प्रशासन तमाम रहने वालों के लिए, जो घाघरा नदी किनारे रहते हैं, अली परसौली क्षेत्र में, जो माझा क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए चेतावनी जारी की गई है और तहसीलदार के द्वारा और थाना प्रभारी संजू वर्मा के द्वारा जारी की गई है चेतावनी कि लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। यानी कि उमरी बेगम थाना के प्रभारी पहुँचे, वहाँ पर जो बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले आदमी हैं उनके लिए बताया गया कि लोग सुरक्षित स्थान पर जाएं, अपना अपना ज़रूरी सामान लेके जाएं। मगर सवाल ये उठता है कि हर साल कहीं ना कहीं करोड़ों की लागत से जो रिपेयर किया जाता है, यानी कि दुरुस्तीकरण किया जाता है, वो पैसा लगाया जाता है, यानी कि भारी भरकम पैसा लगता है, वो इसी पानी में फिर बह जाता है और कहीं किसी गरीब को या किसी ऐसे लोगों को सुरक्षित स्थान नहीं बना पाती है कि दोबारा ये ऐसा घटना ना हो। यानी कि जो पैसा बहाया जाता है वो सही ढंग से लग जाए, जिला प्रशासन पूरी तरह से फिर मुस्तैद होता है, फिर जाता है, चेतावनी जारी करते हैं, यहाँ तक है कि मुख्यमंत्री आते हैं, राहत सामग्री बांटते हैं और जो यहाँ के जल मंत्री आते हैं वो भी दौरा करते हैं यहाँ पे आकर के, उत्तर प्रदेश के वो भी देख के चले जाते हैं और सब कुछ बता के चले जाते हैं। प्रशासन उस टाइम बिल्कुल से दौड़ा रहता है, सब जगह दौड़ता है, कहाँ कमी है, कहाँ कमी। मगर कमी जो है वो मूल कमी ये है कि हमेशा के लिए कोई ठोस उपाय नहीं हो पाता है। लाखों करोड़ों रुपया फूंक दिया जाता है, जल में बहा दिया जाता है, मगर किसी के ठोस काम नहीं आता है जो हमेशा के लिए घाघरा नदी के किनारे रहने वाले हैं उनके लिए ठोस उपाय हो सके, ऐसा है। मगर अब देखने वाली बात होगी कि जिला अधिकारी नेहा शर्मा जिस तरह से आ रही हैं, चेक कर रही हैं, जिला प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर। यानी कि आगे भी कई महीनों से ये कार्यक्रम चल रहा था कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे दौरा हो, वहाँ के लोगों को जो राहत की बात है उसको कही जाए और सुरक्षित भेजा जाए, ऐसा था। मगर हम बताना चाहेंगे ये नया घाट है यहाँ पे, इधर देखिए ये अयोध्या का पुल है जहाँ हम आ चुके हैं, हम उस तरफ भी चलेंगे, दिखाएंगे क्या है और नदी का किस तरह बहाव है पानी का, हम वो भी दिखाएंगे। और ये देखिए कितनी भारी संख्या में मात्रा में पानी है जो नेपाल से छोड़ा गया है, ये मेरे तरफ देखिए किस तरह से है। और ये बहुत ही डरावना मंजर है जो यहाँ पर देखिए, ये सरजू घाट है, नया घाट का पुल है ये जहाँ पे हम खड़े हैं, और आपको यही दिखाना चाहेंगे ये बाहर से पानी छोड़ा गया है, कोई बरसात का पानी नहीं है, ये सिर्फ नेपाल का छोड़ा हुआ पानी है, जो नेपाल में बारिश हो रही है पहाड़ों पे उसका पानी है। अब यहाँ पे अभी कोई बारिश ऐसी नहीं हुई है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ सके, ऐसा ही है। मगर इसका हम एक बार फिर कहेंगे कि जो शासन प्रशासन है, मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उनसे फिर एक बार आग्रह करेंगे कि इधर का यानी कि बाढ़ क्षेत्रों का इलाके का जो तरफगंज क्षेत्र है, कनैलगंज क्षेत्र है, यहाँ पे ठोस उपाय किया जाए, यानी कि आम नागरिकों को अच्छी सुविधा मिल जाए, जो हमेशा के लिए कुछ छुटकारा मिले, ऐसा है। हम यही निवेदन करेंगे और वीडियो बनाने का मेरा, खबर बनाने का एक ही मकसद था कि जो बाढ़ जो पानी छोड़ा गया है 4 लाख क्यूसेक पानी घाघरा में, उसको दिखाने का मकसद था कि कितना पानी आ चुका है और प्रशासन किस तरह से अपनी कमर कसे हुए है, यानी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री के लिए और भी जो उनके रहने वाले हैं उनके लिए क्या ठोस उपाय है, वो पहले से चुस्त दुरुस्त है, सतर्क है, पूरी तरह से चाक चौबंद है और इस तरह से है जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं हामिद अली, कैमरामैन तौफीक के साथ, लाइव न्यूज 18 गोंडा।